हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो क्वेश्चन है, स्टडी करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से 0.25 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सेक्शन। तो इस कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम पे, इन 1 सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन क्वांटिटीज को लिखेंगे। तो देन गिवन दैट, क्या गिवन है, 0.25 एम्पियर, इट मींस आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, और क्या गिवन है स्टूडेंट, टाइम गिवन है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस एन। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। बट वी नो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमने पढ़ा था कि इस फॉर्मूले में कहीं भी एन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ई अपॉन टी। क्यों इस क्यू इक्वल टू एन ई लिख रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, n इक्वल टू i इंटू टी अपॉन e। ठीक है, अब i इक्वल टू कितना गिवन है, 0.25 इंटू टी के जगह पे 1 अपॉन e। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10^-19। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए 25 इंटू, अब देखिए 10^ चलिए देते हैं इसको, 16 इंटू 10^-19 इंटू 10। ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो 1 है तो -19 और +1 क्या हो जाएगा, 18। इट मीन्स 25 अपॉन 16 इंटू 10^-18। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10^18 अपॉन 16। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर 25 को 16 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1.5 इंटू 10^18। ये हमारा क्या है, n। तो n क्या एक नंबर है जिसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर में, जो गिवन कंडक्टर है उस कंडक्टर में 0.25 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब है उसमें 1.6 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है,